अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर लॉ का हो चुका है आपके सामने, पेपर आपको दिख रहा होगा मेरे पास। बी सीरीज़ का पेपर है ये। आप लोग पेपर निकाल लें अपना अपना और पहले पेपर में चेक कर लें, फिर बाद में आप उसको अपने शीट से मैच कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो के अपडेट्स टाइम पर आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों पहले सवाल पर चलते हैं। अब दोस्तों पहला जो सवाल है इसका आंसर होगा दोस्तों अंडर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, पहला वाला सवाल आपको दिखा देता हूँ मैं दोबारा से। पहले वाले का आंसर होगा दोस्तों बी, दूसरे का होगा ए दोस्तों, तीसरे का आंसर होगा मैस्कुलिन, फोर्थ का आंसर होगा दोस्तों एल्यूमिनस, पाँच का आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी दोस्तों, छठे का आंसर होगा सिविल, तो सातवें का आंसर होगा दोस्तों शी बिकेम मिजरेबल दोस्तों, आठवें का आंसर होगा कैटल दोस्तों, नाइन का आंसर होगा ऑडियंस दोस्तों, इसका आंसर होगा अप एंड डाउन दोस्तों, उसके बाद 11 का आंसर होगा जिगजैग, सो 12 का आंसर होगा मार्टिनेट दोस्तों, 13 का आंसर होगा हॉलिस्टिक दोस्तों, 14 का आंसर होगा ए, सो 15 का आंसर होगा बॉय दोस्तों, 16 का आंसर होगा ऑपोजिट इस कंडेम, इसका आंसर होगा कंडेम। सो नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा यीक, इसका आंसर होगा यीक मोस्ट प्रोबेबली। सो नेक्स्ट सवाल इसका आंसर होगा देम, सो 11 इसका आंसर होगा ही लेट द वे, सो 20 का आंसर होगा ए, सो उसके बाद 21 का आंसर होगा सी, सो उसके बाद इसका आंसर जैक वॉज एबल टू लीव, इसका आंसर होगा डी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसका आंसर होगा जेट सैम, तो 24 का आंसर होगा आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, इसका आंसर होगा बी। 25 का आंसर होगा हु डिड यू से वॉज कमिंग, इसका आंसर होगा डिले। सो अगला सवाल पे चलते हैं जल्दी से, इसका आंसर होगा बिब्लियोफाइल। सो नेक्स्ट सवाल 28, इसका आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन दोस्तों, इसका आंसर लॉ डील्स विद बिहेवियर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा वाइट कॉलर क्राइम्स। सो नेक्स्ट सवाल होगा, इसका आंसर होगा बी। सो अगला सवाल का आंसर होगा दोस्तों प्रेडिलेक्शन। अगला दोस्तों सवाल इसका दोस्तों आंसर होगा डिविएशन। नेक्स्ट सवाल आया था, इसका आंसर होगा यूज्ड ऑल अवेलेबल मींस। सो अगला सवाल आंसर आएगा आई लाइक इज फ्रेंडली, इसका आंसर होगा एंटोनिम हॉस्टाइल। सो नेक्स्ट सवाल था ही इज़ अ गुड लुकिंग बट इंसिपिड, सो इंसिपिड का मतलब होगा ही लैकिंग इन स्पिरिट, सो इट इज़ कंपल्सरी, इसका आंसर होगा ऑब्लिगेटरी। सो नेक्स्ट सवाल आया था आपको मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसका आंसर होगा इन्फेंटिसाइड, सो इसका आंसर फ्रेंड का आंसर होता है रियर, इसका ऑपोजिट होगा रियर। सो नेक्स्ट लास्ट सवाल उसका आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया। चलते हैं उसको नेक्स्ट सवाल की तरफ, सो इसका आंसर होगा डी, ई एफ जी एच आई एल एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद टी के बाद वो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, उसको बी के बाद जी, तो जी एफ जी एच आई जे डी ई एफ जी, चार चार गैप आ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा जे। सो इसका आंसर होगा हंगर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा डी। सो अगला सवाल इसका आंसर होगा ई। सो अगला सवाल पे चलते हैं, अब इसका आंसर होगा दोस्तों जे एम। सो अगला चलते हैं, इसका आंसर होगा जी। सो अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा लाइट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा इनकरेज्ड, ये वाला होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था द प्रिजनर वॉज रिलीज ऑन पैरोल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑडेसिटी का सिनोनिम, इसका आंसर होगा बोल्डनेस, तो इसका आंसर होगा 58। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फिर इसका आंसर होगा बी। सो अगला सवाल आया था, इसका आंसर होगा 432। सो नेक्स्ट सवाल था, इसका आंसर होगा बी। सो अगला सवाल था, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, तो इसका आंसर होगा बी।
सो अगला सवाल था आपके लिए, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सो अगले इसका आंसर होगा दोस्तों टोमेटो। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसका आंसर होगा नेपाल। सो अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए था, इसका आंसर होगा आर्टिकल 16(4). नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, इसका आंसर होगा हिदायतुल्ला। सो नेक्स्ट सवाल आया था, इसका आंसर होगा ट्वाइस, एक साल में कम से कम दो बार होना चाहिए। उसका नेक्स्ट सवाल आया था, इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। सो पेपर करेंसी पहली बार इस्तेमाल हुई थी चाइना के अंदर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा DPSP। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, गॉड फादर, इसका आंसर होगा मारिए पूजो। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर एज में रिटायर होते हैं। सो नंबर ऑफ मिनिस्टर, इसका आंसर दोस्तों होगा 15%। सो आर्टिकल 21, इसका आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट सवाल था आपका, इसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स US कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सो नेक्स्ट सवाल आया था DPSP का, इसका होगा टू इस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। सो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट सवाल आया था, नेशनल फ्लावर, इसका आंसर होगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ये थोड़ा घुमा के दे दिया, किसी को नहीं पता होगा शायद। इसका आंसर होगा फातिमा, मीरा साहिब फातिमा बीबी। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी है। सो नेक्स्ट सवाल आया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हुआ था, ये होता है डायरेक्ट टैक्स कोड, इनकम टैक्स, हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इसका आंसर होगा हीबियस कॉर्पस। सो इसका अगला दोस्तों नेक्स्ट सवाल था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको छोड़ देते हैं, डाउट है इसमें, डाउट है दोस्तों। ये सवाल शायद थोड़ा सा मुझे ये गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअली कैबिनेट मिशन प्लान के और बिल्कुल उससे पहले आपका जो था 1934 के अंदर हुआ था, इसको मैं छोड़ देता हूँ। सो नेक्स्ट सवाल था, इसका आंसर वो 35। सो अगला सवाल दोस्तों था, वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टोटल नंबर ऑफ, उसका आंसर होगा 31। सो अगला सवाल आपको आया था, इसका दोस्तों आंसर होगा वोल्टेयर। उसका नेक्स्ट सवाल, ड्यूस किस गेम में होता है, टेनिस में होता है। सो अगला सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा कैलकाटा हाई कोर्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फर्स्ट सेटेलाइट, इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अकॉर्डिंग टू द, इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, मैक्सिमम दोस्तों ये सवाल दो बार आ चुका है, आया है, इसका आंसर होगा 15%। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा 8th शेड्यूल। सो नेक्स्ट सवाल होगा इंडिया पहला CIC कौन था, बजात हबीबुल्ला। दोस्तों लास्ट सवाल आया था, किसने ड्राफ्ट किया था इंडियन पीनल कोड, इसका आंसर होगा मैकुवाले। दोस्तों ये मैंने बताया आपको, सारे आंसर चेक कर लीजिएगा आप, मैंने आपको 98 आंसर बताए और मुझे उम्मीद है 95+ आंसर बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, सारे सही होंगे, लेकिन दो एक में डाउट मान लेता हूँ मैं, लेकिन वो है नहीं वैसे। चेक कर लीजिए, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, कट ऑफ बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, खुदा हाफिज़।